नंबर 29 आपकी बुक के चैप्टर दिस इज़ जॉर्डी स्वान पर बेस्ड है। इस चैप्टर पर बेस्ड कुछ वर्कशीट्स हम पहले भी कर चुके हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर देने हैं। रीड दिस स्टेटमेंट्स एंड टिक इफ ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। द लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। लॉयन को किंग ऑफ जंगल कहते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है, एनिमल्स आर आवर एनिमीज़। जो एनिमल्स हैं क्या वो हमारे दुश्मन हैं, क्या वो हमारे एनिमीज़ हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड है, द ईगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स। जो ईगल होती है, जो चील होती है, वो आसमान से बादलों के ऊपर उड़ सकती है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। जो ऑस्ट्रिच होता है, जो शतुरमुर्ग होता है, वो नहीं उड़ सकता, ये है ट्रू है। द काउ इज़ अ वाइल्ड एनिमल। जो काउ है, क्या वो वाइल्ड एनिमल है, क्या वो जंगली जानवर है, नो, ये फॉल्स है, काउ इज़ अ पेट एनिमल। उसके बाद आपको एक पैसेज दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। उस पर पैसेज को आपको पढ़ना है, उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इस पैसेज में जो जॉर्डी है, वो फॉर्म को लेकर उठाकर लेके जा रहा है, अपनी आर्म्स में उसने फॉर्म को उठा रखा है। हिज आर्म्स बिगिन टू एक, तो उसकी जो बाजू है वो दर्द दर्द करने स्टार्ट हो गई। एक का मतलब होता है दर्द होनी शुरू हो गई। एनिमल फोर्स टू स्टॉप अगेन, और उसे मजबूरन रुकना पड़ा। ही वॉकड ऑन, वो चलता गया। द फॉन फॉलोड हिम एट वंस, जो फॉन था वो उसको फॉलो कर रहा था, उसके पीछे चल रहा था। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस एंड देन पिक्ड इट अप, उसने उसको थोड़ी देर चलने दिया, फिर उसने उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर का तक की दूरी उसे कुछ भी नहीं लग रही थी। जो जॉर्डी था उतना खुश था फॉन को पाकर, दैट ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड नाइट डे एंड इन टू द नाइट, वो पूरा रात और दिन चल सकता था। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, उसको उठाकर और उसको फॉलो करते हुए देखकर वो दिन और रात सब बिता सकता था। ही वॉज वेट विद स्वेट, वो गीला हो गया था, पसीना उसे आ रहा था, पसीने से वो गीला हो गया था। बट अ लाइट ब्रीज, एक हल्की सी हवा चल रही थी, क्योंकि जून की सुबह थी, जून महीना था, मॉर्निंग का समय था, और हल्की सी ब्रीज ब्लो कर रही थी, और उससे उसको बहुत सा कूलिंग इफेक्ट हो रहा था, उसको ठंडा ठंडा फील हो रहा था। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, और आसमान इतना साफ नजर आ रहा था जैसे कि जो झरने का पानी होता है, कि चाइना कप में पड़ा हुआ झरने का पानी साफ नजर आता है, वैसे आसमान नजर आ रहा था। ही केम इन टू द क्लियरिंग। क्लियरिंग वो जगह होती है जहाँ पर जंगल के बीच में जगह, जहाँ पर पेड़ वगैरह नहीं होते, जो एक खुला मैदान होता है। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन, रात को बारिश हुई थी और वो सारी जगह फ्रेश और ग्रीन नजर आ रही थी। यू फंबल विद द लैच, फंबल का मतलब होता है टटोलना, उसने अपना जो उसके हाथ में लैच था, जैसे कि एक तीर कमान जैसी कोई चीज़ थी, उसने क्या करा, उसे फंबल करा, फंबल का मतलब होता है टटोला। एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू लेट डाउन सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, फिर उसने क्या करा, फ़ोन को ज़मीन पर नीचे रख दिया, और जो फ़ोन है वो अपने आप से क्या करने लगा, चलने लगा। दैट ही हैड एन आइडिया, फिर उसे एक आइडिया आया, दैट ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कि वो घर के अंदर चला जाएगा, इन टू द पैनीज बेडरूम। पैनी कौन है, उसके फादर का नेम है पैनी, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो फ़ोन है वो उसके पीछे पीछे जाएगा। बट एट द स्टेप्स द फोन बाग, लेकिन जब सीढ़ियों पर पहुँचे तो फ़ोन था बाग। बाग का मतलब होता है अचानक से रुक जाना, सडनली स्टॉप हो जाना। एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, और उसने सीढ़ियाँ चढ़ने से मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, उसने उसको उठाया और अपने फादर के पास चला गया। पैनी ले विथ क्लोज्ड आइज, जो पैनी था वो अपने जो उसके फादर थे वो अपनी आँखें बंद कर लेटे हुए थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन है, सी पार्ट है, इसमें हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को और सेंटेंसेस को फिल करना है। ही डैश आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, किसकी बाजू दर्द होने लग गई और वो रुक गया, जॉडी की। सेकेंड है, इट वॉज अ मंथ ऑफ डैश, जून या जुलाई, जून का मंथ था या जुलाई का था, आंसर इज जून। द स्काई वॉज इज क्लियर एज, आसमान कैसे साफ लग रहा था, क्रिस्टल ग्लास की तरह या स्प्रिंग वाटर की तरह, आंसर है स्प्रिंग वाटर, स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, इट वॉज फ्रेश एंड डैश आफ्टर द नाइट रेन, रात की बारिश के बाद कैसा लग रहा था, फ्रेश एंड ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु इज पैनी, पैनी कौन है, तो आपस लिख देंगे पैनी इज जॉर्डी फादर, पैनी कौन है, जॉर्डी के फादर का नाम पैनी है। सिक्स क्वेश्चन है, वॉट हैपन टू जॉर्डी फादर, जॉर्डी के फादर को क्या हुआ था, जॉर्डी के फादर को एक रैटल स्नेक ने काट लिया था, तो जॉर्डी फादर वॉज बिटन बाय अ रैटल स्नेक, तो इसका आंसर आ जाएगा जॉर्डी फादर वॉज बिटन बाय अ रैटल स्नेक। सेवन्थ क्वेश्चन है, देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसे एक आइडिया आया, उसे क्या आइडिया आता है, तो इसका आंसर है उसे आइडिया आता है, इसे हम इस पैसेज में मार्क कर देंगे, उसे ही आइडिया आता है, दैट ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू द पैनीज बेडरूम विद अ फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, वो पैनी के रूम में चला जाएगा और फोन उसके पीछे पीछे आएगा, ये आइडिया जॉर्डी को आता है। तो इस तरह से आपकी जॉर्डीज फोन चैप्टर पर बेस्ड जो आपकी इंग्लिश की ये वर्कशीट है, ये यहाँ पर आकर हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है।